राम। दोस्तों शंखना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ओम पंचजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। दोस्तों शंख ध्वनि और शंख मंत्र के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको शंख ध्वनि की अगली स्टेप सिखाने जा रहा हूं। ये स्टेप ऐसी स्टेप है जो आप सबके लिए नई होंगी। दोस्तों आज हम नई स्टेप सीखने से पहले थोड़ा कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों कि हर बार बताना जरूरी होता है, इसलिए कि जो नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको शंख हमारे चैनल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि हम इस शंखना स्टूडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते, किस तरह से बताना चाहते, किसका बारे में हमारा चैनल है, हमारा उद्देश्य क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शंखना स्टूडियो का उद्देश्य यही है कि शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, उनको उसको उसके बारे में पता चले कि शंख के जो महत्व है, उसके उपयोग, उसके रहस्य। दोस्तों मैं आज आपको शंख ध्वनि की अगली स्टेप सिखाने जा रहा हूं। ये अगली स्टेप आप सबके लिए नहीं होगी, मैं आपको कुछ बातें उसके बारे में है जो आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों जो हमारी अब तक की जो शुरू की जो पहली तीन स्टेप हुई थी, आप अगर किसी धार्मिक अनुष्ठान, होम हवन, पूजा पाठ, मंदिर में अगर शंखनाद करना चाहते हो तो आपको जो शुरू की जो तीन स्टेप है आप उस प्रकार से शंख ध्वनि कर सकते हैं, बजा सकते हैं और उसी तरह की बजाई जाती है, उसी प्रकार की ध्वनि अक्सर लोग बजाया करते हैं, तो आपको भी उसी प्रकार की शंख ध्वनि उस वक्त बजानी है। और दोस्तों उसके बाद में जो नई नई स्टेप में आपको जो सिखा रहा हूं, आपको जो आप लोग जो सुन रहे हैं, ये बस एक दोस्तों एक एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। इसको पूजा पाठ होम हवन के वक्त ना बजाए। अगर आपको ये स्टेप इस प्रकार की स्टेप अगर बजानी है तो आप किसी शोभा यात्री के अंदर आप इस प्रकार की अलग अलग ध्वनि बजा सकते हो, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के वक्त आपको जो शुरू की तीन स्टेप से वही आपको बजानी है। दोस्तों मैं जो आज जो लोग हमारे पहली वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा दोस्तों कि शंखना स्टूडियो का उद्देश्य ही है कि शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको हो, शंख का महत्व, उसके उपयोग, उसके रहस्यों के बारे में आपको पता हो, शंख खरीदने से लेके जो शंख के अंदर से ध्वनि निकालना अलग अलग प्रकार की, उसके बारे में आपको जानकारी देना, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों देखने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं शंख का महत्व ये प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूं, आप उसे अवश्य देखिए। इसके अंदर मैंने शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। और एक प्लेलिस्ट है दोस्तों जिसके अंदर शंख ध्वनि है, शंख खरीदने से लेकर अब तक की सारी स्टेप में उसके अंदर लिंक कर रहा हूं, तो आप उसको अवश्य देखिए। और देखने के साथ साथ दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि हम ये महत्वपूर्ण जानकारी, नई जो शंख ध्वनि की जो स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूं, ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों एक खुशी की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मुझे और आराध्या हम दोनों को शंख के अंदर से विविध प्रकार की ध्वनि निकालना, उसके अंदर से मंत्र उच्चारण करना, एक साथ दो शंख बजाना, उसके अंदर से विविध प्रकार की ध्वनि और मंत्र उच्चारण करना, इसलिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ब्लोइंग कोंच इन ट्रेंडम विथ मंत्र स्पोकन, ये नया रिकॉर्ड हम दोनों ने इंडिया बुक रिकॉर्ड के अंदर नोन किया है। तो दोस्तों ये सब आपके प्यार के वजह से और भगवान की कृपा से हुआ है। आगे भी हमें प्यार देते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं शंख ध्वनि की अगली स्टेप। अगली स्टेप के अंदर हम शुरू करने से पहले दोस्तों जो लोग शुरू से हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं, उनको बस एक याद दिलाने के लिए हम रिवीजन के तौर के ऊपर इसके पहले जो स्टेप हुई है उसके बारे में हम जानेंगे और फिर नई स्टेप देखेंगे ताकि जो पुरानी जो स्टेप है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती रहे।
तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि शंख को कैसे बजाना है, जो नए लोग उनके लिए बता रहा हूँ कि हम शंख को कैसे बजाना है, शंख के अंदर से नई ध्वनि कैसे निकालनी है, इसके बारे में मैंने जो पहले एपिसोड बनाए हुए आप उसको देखिए ताकि आपको शंख बजाना आ जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहिए। और जो हमारी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उनके लिए दोस्तों कि हमने देखा शंख के अंदर से पॉज लेना। अब तक आप समझे होंगे दोस्तों कि पॉज कितना महत्वपूर्ण है, हर स्टेप के अंदर पॉज की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले पॉज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको आने वाली स्टेप आसानी से आती रहेंगी। तो दोस्तों पॉज लेना हमने देखा, उसके बाद लंबे ध्वनि के साथ पॉज, लंबे ध्वनि के साथ दो पॉज, फिर पांच पॉज के साथ लंबा ध्वनि और फिर पॉज। और किस तरह से है, इस तरह से हमने देखा पॉज लेना, इस तरह से पॉज आना चाहिए, फिर लंबे ध्वनि के साथ पॉज है, फिर लंबे ध्वनि के साथ तीन पॉज, फिर पांच पॉज के साथ लंबा ध्वनि, फिर शंखनाद, तो इस तरह से हमारी ये स्टेप है। इसके बाद हमने देखा तु 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 तु, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि शंख ध्वनि के अंदर जो स्टेप से पुराण जो पहली तीन स्टेप है आपको धार्मिक अनुष्ठान के वक्त, होम हवन के वक्त, आरती वक्त के वक्त जो आपको शंख बजाना है, बजाना जाता है, बजाया जाना चाहिए, वो इस प्रकार से रहेगा। लंबा ध्वनि पॉज, लंबा ध्वनि के साथ तीन पॉज, पांच पॉज के साथ लंबा ध्वनि, फिर से पॉज। ये तीन प्रकार की शंख ध्वनि आप पूजा पाठ होम हवन आरती के वक्त बजा सकते हो। इसके बाद की जो स्टेप्स है वो आप लोग किसी शोभा यात्रा, स्थिर वादन या एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप इसे बजा सकते हो, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के वक्त आपको सिर्फ शुरुआती जो तीन स्टेप है ये स्टेप आपको बजानी है। और एक स्टेप है जो आप पूजा पाठ होम हवन के वक्त बजा सकते हो, वो स्टेप मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये तीन स्टेप आपको पूजा पाठ के वक्त बजानी जरूरी है या फिर इसी तरह की बजाए। और आगे की जो स्टेप है वो इस प्रकार है, तु 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 तु, उसके बाद हमने देखा तु 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 तु, ये स्टेप से। उसके बाद हमने देखा था तु 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 तु, उसके बाद हमने देखा है टाक टटाक टटा टटाक, उसके बाद आने अभी जो की नई स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आज की जो नई स्टेप है ये हमें तुतारी का जो स्वर होता है उस तरह से आपको इसे बजाना है, हमें बजाना है। उसके बारे में आपको, तुतारी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोगों ने जो तुतारी सुनी हो सकता है किसी और प्रकार की हो, क्योंकि दोस्तों तुतारी का जो ध्वनि होता है वो अलग अलग प्रकार का ध्वनि होता है। उसके बारे में आपको मैं एक वीडियो अवश्य बताऊंगा दोस्तों। कई सारी प्रकार की तुतारियों से ध्वनि निकाली जाती है, उसका अलग अलग मतलब होता है, उसके अलग अलग नामों से वो पहचानी जाती है। दोस्तों आज हम जो तुतारी सीखने वाले हैं, जो ध्वनि सीखने वाले हैं वो इस प्रकार है। बाकी की जो अलग अलग प्रकार की जो स्टेप्स है तुतारी के अंदर मैं आपको आगे चल के बताता रहूंगा दोस्तों। आज हम जो स्टेप सीखने वाली है वो इस प्रकार रही, हमें तु 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 तु, मतलब हमें जो पॉज है वो जल्दी 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 पॉज लेना है, फिर आगे जाके आपको तीन पॉज लंबे थोड़ा खींचना है,
फिर एक लंबा सा बड़ा साउंड होते हुए आगे की तरफ उसको छोड़ देना है और इस तरह से रहेगा। ये इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमें तुतारी के अंदर की जो ध्वनि है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है इसके अलावा आपने कोई तुतारी की धुन सुनी होंगी, तो हम उस तरह की भी तुतारी की ध्वनि शंख से ऊपर बजाना सीखेंगे। आपकी जो स्टेप है वो इस प्रकार है। तु 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 तु। तीन पॉज छोटे पॉज, चौथी बार बड़ा पॉज लंबे ध्वनि के साथ बड़ा पॉज, वो इस तरह से आएगा। दोस्तों जो ध्वनि है वो इस तरह से रहेगा। दोस्तों फिर से देखिए मेरे इशारों की तरफ। प्रकार की जो तुतारी की ध्वनि आप सुनते आ रहे हैं उसके बारे में आपको मैं जल्दी बताऊंगा। तो दोस्तों कुछ देर के लिए क्यों ना हो लेकिन आप शंख बजाइए। शंख बजाने के कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूं उसको अवश्य देखिए और देखने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि हम ये महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, उनको शंख बजाना सिखा सके। शंख के अंदर से भी प्रकार की ध्वनि हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो मैं आपको जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि सिखा रहा हूँ दोस्तों ये सब नया है। इसके पहले ये इस तरह की ध्वनि आप में से किसी ने नहीं सुनी है। मैं नई नई ध्वनि सिखाता रहा हूँ, आगे भी आपको सिखाता रहूंगा। बहुत सारी अलग अलग प्रकार के हम शंख ध्वनि निकाल सकते हैं। दोस्तों ये नई जानकारी है, इस तरह से अब तक किसी ने नहीं ट्राई किया है, ये पूरी तरह से नया है। दोस्तों तीन प्रकार की शंख ध्वनि हम अक्सर सुनते आ रहे थे, कुछ नया सीखने का है लोगों के सामने, अपने समाज के सामने कुछ नया दिखाना है। तो दोस्तों इस तरह की शंख ध्वनि आप हमारे चैनल के ऊपर से हमारे वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। दोस्तों और एक गुजारिश आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि ये एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, बजा सकते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के वक्त जब जहां आरती होम हो रहा हो, अभिषेक हो रहा हो, उस जगह पे इस तरह की शंख ध्वनि आप नहीं बजा सकते। आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शुरुआती जो पहले तीन स्टेप है, ये तीन स्टेप और ये वाली जो स्टेप है जिसे हम तुतारी बोलते हैं, तुतारी स्टेप, ये स्टेप आप चार प्रकार की तुतारी आप बजा सकते हैं, लेकिन जो बीच में हमारी चौथी पांचवी स्टेप हुई है वो आप इसे नहीं बजाइए। आप इसको शोभा यात्रा में या किसी कार्यक्रम के अंदर स्थिर वादन के वक्त आप बजा सकते हैं। तो दोस्तों इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए, नई नई धुन सीखने के लिए, सुनने के लिए शंखनाद स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम।